जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज हम लोग 18 अगस्त का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। साथ ही इस पीडीएफ में सभी जिलों का मिक्स क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू फॉर्म में दिया हुआ है। तो साथियों, आप लोग आज के इस क्लास को लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस टेस्ट में आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सही करने हैं। तो साथियों, जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है, आप लोग कंप्लीट सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कहाँ पर हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर करना है। तो साथियों, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है तो याद रखिएगा, नेपाल में। तो यहाँ पर ए ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, नेपाल में। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है 21 अगस्त को, तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था आपको ध्यान रखना है, सिद्धार्थ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में या फिर कुशीनारा में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है, बोधगया में, ठीक है। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा। इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिया था, श्रावस्ती में, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था। साथियों, आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में। और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहन जोदाड़ो की खोज किया था। मोहन जोदाड़ो वर्तमान में कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहन जोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। देखिए, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो साथियों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे, हरिसेन, हरिसेन, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित की रचना किया है। HDI का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन आया था। तो साथियों, HDI का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और यह सूचकांक जो है किसी देश के जीवन स्तर, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा को मापता है, HDI। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, यह क्वेश्चन आया था। तो साथियों, टिहरी बांध भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। टिहरी बांध किस राज्य में है, तो याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। भारत का सबसे लंबा बांध पूछे 21 अगस्त को, तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में महानदी पर है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की अगर पूछे सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है। तो साथियों, रोहन बोपन्ना एक भारतीय टेनिस खिलाड़ी है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था। देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे उसको केवल ध्यान से सुनना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब क्वेश्चन बन सकता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाते, दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ध्यान रखिएगा। 1930 में क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन और 1932 में हुआ था तीसरा गोलमेज सम्मेलन। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पर है, तो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, मुंबई। चलिए 9 नंबर से देखते हैं, फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी। तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, 1789 में फ्रांस की राजक्रांति होती है। अच्छा, रूस की क्रांति कब होती है, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ ले, तो 1917 में
1917 में रूस की क्रांति होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, क्वेश्चन बन सकता है। मृत कोशिका की खोज किसने किया था, तो मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। अच्छा, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्लाइडन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक ने। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो साथियों बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम के लेखक है, और जनगण मन के लेखक पूछे रविंद्रनाथ टैगोर है। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो 1913 में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। सत्य बोधनी सभा के संस्थापक कौन थे, आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, तो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, 1829 में इन्होंने सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने, और इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी बोला जाता है। दयानंद सरस्वती की बात करें, इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, ठीक है। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार था। कौन सा संशोधन से हटा है, तो 44वां संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। अच्छा, मौलिक अधिकार को कहाँ से लिया गया है, अमेरिका देश के संविधान से। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था खेड़ा आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अंतर्राज्य परिषद किस अनुच्छेद में आता है, तो ये आर्टिकल 263 में आता है, अंतर्राज्य परिषद का गठन, ठीक है। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 280 में। चलिए आगे देखते हैं साथियों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, और सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि अपने आज कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है, तो ये हो जाएगा रोम, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म पूछे क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। वायु क्या है, तो वायु क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें भी शामिल होता है वायु में, इसलिए एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है, तो ये आपका हिंदी भाषा से संबंधित है, सिंपल सा क्वेश्चन था। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं, बिल्कुल इसी टाइप से क्वेश्चन 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त को आने वाला है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 543, ठीक है, 543 है, ठीक। चलिए, सेज का फुल फॉर्म क्या होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये सेज का फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हालांकि ये सभी क्वेश्चन हमने पहले भी प्रैक्टिस सेट में कराया हुआ है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि हमने नहीं कराया है। चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, आप लोग बताइए कमेंट करके। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है, तो ये होता है सोनार। चलिए आगे देखिए, बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा
अनुच्छेद 112 में, ठीक है। यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो टोटल 25 उच्च न्यायालय है वर्तमान में, जब से जिसमें सबसे पुराना पूछे कलकत्ता हाई कोर्ट और सबसे नया वाला पूछे तो अमरावती हाई कोर्ट। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, मुअज्जम। किसने किया था, मुगल शासक मुअज्जम ने। विटामिन की खोज किसने किया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सी फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का पता लगाया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। सुमन योजना का संबंध किससे है, आंसर है सुरक्षित मातृत्व से। बिहार का शोक किसे कहा गया है, तो कोसी नदी को। बंगाल का शोक गंडक नदी को, सॉरी बंगाल का शोक दामोदर नदी को। धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा गया था, तो Na2CO3 × 10H2O, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में Na2CO3 दिया हुआ है, इसको सही कर लीजिए, Na2CO3 × 10H2O। और बेकिंग सोडा का पूछे तो क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। लोथल कहाँ पर है, तो सिंपल सा गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। आप लोग बताइए रंगपुर कहाँ पर है, क्वेश्चन बन सकता है रंगपुर, कालीबंगा, चंद्रद्रो, ये सभी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो कई बार हमने बताया है ये एक फोल्डिंग माउंटेन है, यानी कि वलित पर्वत का उदाहरण है। पटना गोलघर का निर्माण किसने किया था, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा जॉन गोस्ट्रीन ने। चलिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया, तो ये है 42वां, और किस समिति के सिफारिश पर, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो बता देते सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है, तो यह 77.1% है। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, तो यह आर्टिकल 21 में आता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो साथियों उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, श्री जगदीप धनखड़। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिला में है, आंसर है वैशाली में। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है, आंसर है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए खिलाफत समिति का गठन कहाँ पर हुआ था, चलिए बताइए, तो खिलाफत समिति का गठन जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पर, बॉम्बे में। सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है, ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सरयू नदी के किनारे। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर। सुदर्शन झील किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, डिंग हाकना, क्या हो जाएगा, डिंग हाकना। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कंचनजंगा आपका सिक्किम में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है, ये पूछा गया था, तो ये बराकर नदी पर, किस पर, बराकर नदी पर, ठीक है। सरदार सरोवर बांध पूछे तो नर्मदा नदी पर हो जाएगा। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी क्या है, तो ये आपका रोम होता है, ठीक, रोम अस्थाई मेमोरी होता है। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक संजीव है, कौन है, संजीव। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, आंसर है 3 जनवरी 2000 को, ठीक है, 3 जनवरी 2000 को। सुमन योजना का संबंध किससे है, तो अभी हमने बताया था सुरक्षित मातृत्व से। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था, आंसर है आर्किमिडीज ने, ठीक है। अच्छा टेलीस्कोप का पता किसने लगाया था, आप लोग बताइए कमेंट करके। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, तो भारत की स्थलीय सीमा 8 देशों से मिलती है। कौन कौन सा देश है, तो पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और तिब्बत, जो कि चीन के अधीन में आता है। तो टोटल 8 है, याद रखिएगा। और तटीय सीमा से मिलने वाले
सॉरी अगर पूछे भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि तटीय सीमा से लगा हुआ है, तो 9 राज्य, जिसमें सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है, तो 8 देशों से। बिहार का लिंगानुपात क्या है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 918 है, ठीक है। ट्रांजिस्टर की खोज किसने किया था, तो जॉन बर्दिन ने ट्रांजिस्टर की खोज किया था। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। चलिए अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो यह गुजरात में है। सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है, तो सबसे कम अंतरणविक बल जो होता है गैस में होता है, सबसे अधिक ठोस में। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं लोहा के लिए। और ये कहाँ पर है बैलाडीला, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा नमक, ठीक, नमक हो जाएगा। कंचनजंगा ये तो हो चुका है सिक्किम में। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी, 1993 में, कब 1993 में। गाल बजाना ये भी हो चुका है, डिंग हाँकना। चलिए आगे देखते हैं, पूरा क्वेश्चन अटेंड करके जाइएगा, ठीक है, और कम से कम 50 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो पावापुरी में, कहाँ पर होती है, पावापुरी में, ठीक है। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर शुरू किया था, चंपारण। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, तो ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1924 में बना था, जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, हमने कई बार आपको बताया है, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था। और सबसे अधिक पूछे तो श्रावस्ती में। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। पराक्रम दिवस कब मनाते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था, आंसर हो जाएगा भोगवा नदी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत ग्रंथि है। और सबसे बड़ा अंग पूछे तो त्वचा हो जाएगा। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ये सभी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बिहार का शोक ये हो चुका है, कोसी नदी। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, नाना साहेब, ठीक है। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, ये भी हमने कराया था कि याद कर लीजिए, शक्ति सैन्य अभ्यास, तो ये भारत और फ्रांस के बीच में होता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहती हैं, तो ठोस से द्रव में बदलना, ठोस से सीधा गैस में बदलना, गैस से ठोस में बदलना, ये सभी हमने आपको कराया था, तो इसका आंसर हो जाएगा गलन। डीआरडीओ की स्थापना पूछा गया है, जो कि 1958 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना भी याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। विटामिन की खोज, तो आपका फंक हो जाएगा। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है, तो ये आपका बताइए किसका हो जाएगा, समुद्र गुप्त का। अल्मोनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो अल्मोनियम ऑक्साइड का होता है Al2O3। और साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब आसान आसान क्वेश्चन, इस तरह से आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन आसान आएगा, लेकिन इस तरह से जो लगातार इजी क्वेश्चन दिया हुआ है PDF में, इस प्रकार नहीं आता है, ठीक है। ये अलग अलग जिलों का क्वेश्चन है, और जो क्वेश्चन एग्जाम हॉल से विद्यार्थी देखकर निकलते हैं उसको आसान क्वेश्चन ही याद रहता है, और वही क्वेश्चन हम लोगों को बताता है, ठीक है। बाकी हार्ड क्वेश्चन किसी को याद नहीं रहता है कि एग्जाम में हमने क्या बनाया था, तो इसलिए आप जो PDF में देख रहे हैं कि सभी क्वेश्चन आसान है, ऐसा नहीं आता एग्जाम में। कांवर झील बिहार के किस जिला में है बताइए, तो कांवर झील कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पर, बेगूसराय में। कहाँ पर हो जाएगा, बेगूसराय। जंतु का सबसे बड़ा संघ अभी हमने बताया, ऑर्थोपोडा। बारदोली सत्याग्रह ये भी हो चुका है, हिमालय किस प्रकार ये भी हो चुका है। कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण ये कहाँ पर है, तो ये दरभंगा में है। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है, चलिए बताइए तो फटाफट से, तो ये हो जाएगा किरण तुला। चलिए आगे देखते हैं, 86। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है,
ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 24 दिसंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय वाला पूछे तो 15 मार्च को, ठीक है। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है, ये हमने नोट्स में प्रोवाइड किया था आपको। तो पुलिस प्रशासन ये आपका आ जाएगा किस में, राज्य सूची में। अंकलेश्वर कहाँ पर स्थित है, तो गुजरात में है। पेट में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। सुंदरवन ये आपका पश्चिम बंगाल में है। H2C2O4 में कार्बन का ऑक्सीकरण +3, ये हमने कराया था आपको, ठीक है, ये परसों बताया था, ठीक, जो क्वेश्चन करा रहे थे 18 अगस्त का उसी में था। गांधी जी ने बिहार में पहला आंदोलन कब किया था, तो नॉर्मल सा 1917 में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि ये PDF में दिया हुआ है 18 अगस्त का। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए।